यहाँ पे मैंने रख दिया है अपना चूड़ियों का कलेक्शन और साथ में अपनी मेकअप किट। तो गाइस अभी आपने देखी कि एक लड़की की मेकअप किट कैसी होती है। अब मैं आपको एक लड़के की मेकअप किट दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आज एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि टू माई यूट्यूब चैनल, मैं किरण जोशी आज आप पर आ गई हूँ फिर अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अब मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ब्लॉग के स्टार्टिंग में कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। सुबह तो हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। आज संडे है, संडे के दिन कितना काम हो जाता है आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी और उसके बाद हम लोग सो गए थे और अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। और मैं अपने पतिदेव के लिए बनाकर लाई हूँ चाय। दिखाओ ना चाय, ये देखो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का मौसम कैसा हो रहा है करके। तो मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है, अब खुल चुका है, धूप आ चुकी है और यहाँ पे ना मेरी भिंडी लगी हुई थी तो भिंडी भी हो रही है और उस साइड वहाँ पे वो मक्का लगी हुई है। तो यहाँ पे ना ये भिंडी जो है वो मेरे खेत की है, मतलब जो खेत में मैंने लगा रखी थी वो हो रखी है, इतनी बची हुई है। इसको हम बनाएंगे शाम को। अभी मैं ना छत पर आई हुई हूँ और छत में मैं डाल देती हूँ ये कपड़े, क्योंकि धूप आ गई है और ये कपड़े गीले हैं, बारिश हुई थी तो उससे ना ही ज़्यादा गीले हो गए। तो अभी मैं इनको डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सूख जाए। अभी यहाँ पे मेरे पतिदेव लेके आ रहे हैं तुलसी का गमला। आज ना हमने ये तुलसी लगाई थी, इसको रख देते हैं अब छत पे धूप में। तो देखते हैं ये तुलसी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। हाँ, और मौसम कुछ इतना प्यारा सा हो गया है अब। ये देखिए, ये आ गई है धूप, लग नहीं रहा था धूप आएगी करके, बट आ गई है। तो गाइज अभी मेरे पतिदेव जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए और मेरे को नहीं लेके जा रहे हैं। मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे हो ये बताओ? क्योंकि मौसम है बारिश का, कभी भी बारिश हो सकती है। अच्छा, आप बीमार हो जाएंगे। ओ, इतनी चिंता है मेरे पतिदेव को। चलो ठीक है फिर। तो पतिदेव आ चुके हैं मार्केट से, बैग भर के ले आए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऐसा कौन खोलेगा, कौन खोलेगा बैग? तो यहाँ पे सामान निकालना स्टार्ट हो रहा है इनका। नवरत्न में ले ले, काबुली चना ले ले। क्या चल रही है? बुरुस ले ले, बिस्किट लॉकी, बिस्किट लॉकी, बिस्किट लॉकी। सेल लगी है गाइस यहाँ पर, सेल। फूल ले ले, भगवान। सर्फ ले ले। तो आज यहाँ पे ना सारा सामान आया है घर का राशन, मतलब बर्तन चलाने चाहिए भैया। साबुन थे बर्तन वाले। टमाटर 20 रुपए किलो है गाइस, टमाटर हो गए 20 रुपए किलो। खट्टी मामे किसी को लेने हो तो लेकर चले जाना। यहाँ से लेना 15 के लगा देंगे। कहाँ से? यहाँ। अच्छा, तो गाइस अभी ना मैं आपको अपनी शादी की चूड़ियों का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी शादी के टाइम पे ना कौन कौन सी चूड़ियाँ ली थी। यहाँ पे मैंने रख दिया है अपना चूड़ियों का कलेक्शन और साथ में अपनी मेकअप किट, यानी कि मेरा पूरा मेकअप मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो मैंने जो मेकअप यूज़ किया था ना अपनी शादी में, जो प्रोडक्ट खरीदा था, मतलब वो मैंने शुगर का लिया था और वहाँ से मुझे एक ये बैग मिला था, मतलब ये बैग मेरे को फ्री मिला था क्योंकि मैंने इतना सारा सामान खरीदा था ना इसीलिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर का सामान। तो इसमें ना मेरा सारा का सारा सामान है और ये जो भी ये क्या है पता नहीं, मिशियर वाटर पता नहीं कौन कौन सा। मुझे मेकअप के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पहली बार मैंने इतना सारा सामान खरीदा था क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ ना इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से खरीदी थी और ये सब कुछ वही पार्लर वाले ने ही बताया था, मतलब जहाँ हम ये लेने के लिए गए थे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे क्विंच की यूज़ करने के लिए बोली थी और बाकी चीज़ें जो है वो मुझे शुगर का प्रोडक्ट यूज़ करने को बोला था। और इसमें ना मेरे झुमके हैं, मैंने ना बहुत सारे अपने झुमकों का कलेक्शन किया हुआ था। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे, और बाकी तो पता नहीं कहाँ गए, शादी के टाइम पे सब इधर उधर ही हो गए, इसमें कम है मतलब। और बाकी ये सब ऐसे मेकअप का सारा सामान आप लोगों को पता होगा मेकअप का क्या क्या सामान होता है करके। तो एक मेरी मेकअप किट ये है और एक मेरी मेकअप किट ये है, ये भी वहीं से बनाई थी, इसमें भी सारा सामान लेकर आए थे।
ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे खुलता है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। नहीं, ये वहाँ से नहीं लिया था हमने, कहीं और से ले लिया था ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि हमें ये बैग फ्री मिल जाएगा। अगर ये मिलता पहले पता होता तो हम नहीं लेते। इसमें मेरा ना ये है, क्या बोलते हैं, ये मैंने हल्दी मेहंदी में पहना हुआ था ये। बाकी इसमें चिमटियाँ, छोटे मोटे सामान, मेकअप का ही सामान है इसमें भी। तो उसके बाद ये भी एक मेरी मेकअप किट है, तीन तीन मेकअप किट है मेरे पास। इसमें भी मेरा सामान है जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसमें मेरी चूड़ियाँ भी रखी पड़ी हैं, ये चूड़ियों का बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। इसमें परफ्यूम वगैरह, इसमें ये चिमटियाँ, कंघी, ये पॉन्स का लोशन जो मैं यूज़ करती हूँ, यही सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी चूड़ियाँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी शादी की जो चूड़ियाँ थी ना वो कैसी थी। तो ये है मेरी शादियों की चूड़ियों का बॉक्स पूरा, शादी के बाद। उसके बाद मैंने इनको अभी तक नहीं पहना है, मतलब मेरी शादी के दिन का जो मेरा लहंगा था ना उसके साथ की चूड़ियाँ ये इसके थे। कड़े ये देखिए कितने प्यारे से हैं, बहुत टाइम लगा इनको बनाने में, बहुत ही ज़्यादा, इतनी जगह हम घूमे। और ये सारी हैं इसकी चूड़ियाँ, कड़े, और ये बेबी पिंक कलर का मेरा लहंगा था, और ये उसकी सारी चूड़ियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी लेडी संगीत की। और मेरा जो लेडी संगीत का लहंगा था ना वो था मेरा, कौन सा कलर है ये, मैरून नहीं, वाइन कलर। तो वाइन कलर का ये पूरा सेट बनाया हुआ है मेरी चूड़ियों का, ये देखिए आप। उसके बाद इसमें भी ये भी मेरा बैंगल बॉक्स है। ये ना मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट मिला है, पर किसने दिया है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी नेम नहीं था। अगर जिसने भी दिया है, अगर उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गिफ्ट किसने दिया है करके, मुझे क्योंकि पता नहीं लगा है अपने इस गिफ्ट का। बाकी मैं तो सब में नेमिंग था तो सबका मुझे पता लगा है। तो इसमें मेरी कुछ ये इस तरीके की चूड़ियाँ हैं, जो ये चूड़ियाँ है ना ये मेरी प्री वेडिंग में मैंने जो साड़ी पहनी थी उसके लिए ली थी। और ये मेरे कुछ सूट वूट थे उनके, मैंने सबकी मैचिंग की ना, सारी की सारी चूड़ियाँ ले रखी थी। ये मेरा चूड़ियों का कड़ा है, बाकी ये सिंपल घर में पहनने वाली ऐसी चूड़ियाँ मेरे को इधर से, जब मैं यहाँ आ गई थी मेरे ना चूड़ियों से पूरा हाथ जो है पूरा ख़राब हो गया था, तो फिर ऐसी चूड़ियाँ पहनी थी मैंने कुछ दिन के लिए। तो इसमें मेरी चूड़ियाँ हैं। उसके बाद मेरा अगला एक और ये क्या बोलते हैं बैंगल बॉक्स आता है, ये वाला, और ये वाला हमने एक ही जगह से ले रखा था। इसमें भी मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेरी ग्रीन साड़ी की चूड़ी है, मेरी येलो साड़ी की चूड़ी है, ये मेरी एक मेहरून वाइन कलर की साड़ी है उसकी चूड़ियाँ हैं, ये रेड साड़ी है मेरी जो मैंने अभी पहनी नहीं अभी तक, ये उसकी चूड़ियाँ हैं। तो इतनी सारी चूड़ियाँ मैंने ले रखी थी जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। और एक साड़ी की चूड़ी मेरी ये भी है, मैंने खोली तक नहीं है। और एक साड़ी की चूड़ियाँ मेरी ये हैं, ये भी मैंने खोली नहीं अभी, ये पैक्ड है पूरी की पूरी। तो इतनी सारी चूड़ियाँ, अभी कुछ और थोड़ी बहुत रखी पड़ी हैं वो मैं अभी यहाँ पर नहीं लेकर आई हूँ। तो ये है मेरी सारी की सारी चूड़ियों का कलेक्शन, और मेरा पूरा मेकअप बॉक्स यानी मेकअप का पूरा कलेक्शन ये सारा है। तो ये सारा ना मेरा मेकअप का ये सब था। तो तुम्हें कैसा लगा बताना जरा। ये सारी शॉपिंग ना मैंने दिल्ली से करी हुई थी, और इन सारी शॉपिंग में ना मेरे भैया ने मेरी हेल्प करी थी, मेरी चूड़ियों में, मेरे मेकअप से लेकर। इतना मज़ा आया था ना, अगर मैं वो काश वो मैं वीडियो शूट कर पाती तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता, बट वहाँ शॉप पर ना अलाउड नहीं था ये करना। तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप का सामान? ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि इनके पैसे मुझे नहीं देने पड़े हैं। हाँ, कुछ तो तुम लेकर आए थे, कितना कुछ तो तुम्हारी साइड से भी था। थोड़ा बहुत उसका मुझे दुख है। भगवान। तो जो आपने अभी तक देखा ये सिर्फ अभी आधा सच है, अब बाकी आधा सच है मतलब आधा सच नहीं मतलब ये आधा है। हाँ। ये बाकी फिर मेरा मेकअप कलेक्शन भी अपने मेकअप कलेक्शन दिखाओगे? ठीक है, तो गाइस मैं अभी आपको इनका मेकअप कलेक्शन भी दिखा दूंगी, मैं लेके आता हूं अपना मेकअप कलेक्शन, आप तक वेट करो। तो या मेकअप का सारा सामान लेके, मेकअप किट, तो ये कहां है मेकअप किट? ओह माय गॉड, ये आपने देखी कि लड़की की मेकअप किट कैसी होती है, लड़कों का मेकअप दिखाएंगे। तो रिवील कर दो इसको। हाँ कर दो। तो गाइज इनका मेकअप किट, मेकअप का सामान देखते हैं कि क्या क्या करके। हाँ तो गाइज अभी आपने देखी कि एक लड़की की मेकअप किट कैसी होती है, अब मैं आपको एक लड़के की मेकअप किट दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आज एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि दुनिया का हैंडसम आदमी जो है, ये बात है आपको सिर्फ अपने तक ही रखनी है, आप अपने इसलिए बता रहा हूँ। तो गाइज देखते हैं इनका मेकअप का सामान, ठीक है, कैमरामैन फोकस करे, फोकस। अरे ये क्या है? तो गाइस ये है मेकअप किट।
को oh my god, तभी इतने खूबसूरत होते हैं। जैसे मैडम को उनके पार्लर वाले ने उसको सजेस्ट किया मेकअप में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, तो ये फेयर एंड हैंडसम मुझे सजेस्ट किया मेरे सलून वाले ने, ठीक है। और ये तेल गाइस, ये वैसे इसका प्राइस 120 है पर 100 रुपये में मिल रहा था, मैं ले आया इसको गाइस। एक के साथ एक फ्री वाली कुछ भी ऐसे मसूरी वाली कमी है मेरी, तो मसूरी लेके जाने वाला था, मसूरी का प्लान कैंसिल हो गया सब तुम्हारी वजह से। इतना सब लेने के बाद जो है मेरे पास 2 रुपये और बच गए थे, 100 रुपये लेके गया था और 2 रुपये और बच गए थे। गाइस ये रहा मेकअप किट लड़के का, हो गया बस। थैंक यू वेरी मच। आपने देख लिया इनका मेकअप कलेक्शन कितना ज़्यादा था, मुझे लगा बहुत ज़्यादा ही होगा कुछ, और उसमें 3 चीज़ें लेकर आ रखे हैं और ये अब मेरा मेकअप कलेक्शन। 3 में से भी तेल तो आप खरीदता हूँ, पहले तो सरसों का ही लगाता था खाने वाला तो यहाँ पे ये है मेरा पूरा मेकअप का कलेक्शन जो मैंने आपको दिखा दिया है, और मैं अपने इस व्लॉग को ना इतना ही रखती हूँ। ये है मेरा मेकअप का कलेक्शन जो आपने देख लिया है। तो अब हम खाना वाना खाते हैं और मैं अपने इस व्लॉग को ना इतना ही रखती हूँ, और ऐसे ही ब्यूटी टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी जल्दी ऐसे ही अपने एक नए अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।